मई की शाम तक धनंजय सिंह की पत्नी और बीएसपी प्रत्याशी श्री कला जौनपुर की गलियों में घूम घूम कर प्रचार कर रही थी। हाथी के निशान पर बटन दबाने की अपील कर रही थी, लेकिन 5 मई की रात होते होते जौनपुर का सियासी समीकरण 360 डिग्री बदल गया। सुबह खबर आई कि आधी रात को मायावती की तरफ से जौनपुर के मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को फोन किया गया और कहा गया कि उन्हें ही जौनपुर से दोबारा चुनाव लड़ना है। मुझे रात को माननीय बहन जी का टेलीफोन आया कि तुम्हें चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तैयार हूँ। हमने कहा अगर आपका आदेश है तो मैं एकदम तैयार हूँ। किसी और सीट की बात होती तो बात आसानी से खत्म हो जाती। चूँकि मामला जौनपुर का है तो पूरे पूर्वांचल में इसकी चर्चा है। अब कुछ सवाल है, क्या आखिरी वक्त में मायावती ने अपनी तरफ से पहल करते हुए जौनपुर का प्रत्याशी बदला, या फिर धनंजय सिंह के परिवार ने ही चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया? ये दोनों ही सवाल बहुत अहम है, क्योंकि जौनपुर वो लोकसभा सीट है जहां धनंजय सिंह की पत्नी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को भारी नुकसान की संभावना थी। 2014 में जब एसपी बीएसपी अलग अलग लड़ी थी तब ये सीट बीजेपी जीती थी और निर्दलीय लड़ने वाले धनंजय सिंह को 64,000 वोट मिले थे। लेकिन 2019 में एसपी बीएसपी एक हुए और बीजेपी ये सीट हार गई। तब ना ही धनंजय सिंह लड़े थे और ना ही उनके परिवार से कोई खड़ा था। जौनपुर में 2 लाख के करीब क्षत्रिय वोटर हैं। ऐसे में अगर धनंजय सिंह की पत्नी बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ती तो न सिर्फ बीजेपी पर बड़ा असर पैदा करती बल्कि मजबूत दावेदार भी मानी जा रही थी। और बीजेपी ने जिस कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है वो भी क्षत्रिय समाज से संबंध रखते हैं। यानी धनंजय सिंह के चुनाव में दखल देने से क्षत्रिय वोटों में बंटवारा हो सकता था, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के पक्ष में जाता। आत है हमारी पत्नी, मुझे कोई अनेक बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है। मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है, तो मेरे पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्री कला जी के लिए वो आहत है। धनंजय सिंह शुरुआत से ही चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे। बीच में वो जेल चले गए तो पत्नी श्री कला सिंह को बीएसपी ने टिकट दिया और अब टिकट बदले जाने के बाद धनंजय सिंह इशारों इशारों में बीएसपी पर निशाना साध रहे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी पर्दे के पीछे से बीजेपी का साथ दे रही। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। बीएसपी को लेकर लोगों में कई तरह के सवाल हैं। अभी तक मायावती को उत्तराधिकारी आकाश आनंद लगातार रैलियां कर रहे थे, चुनावी मंच से बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, लेकिन 29 अप्रैल को हुई सीतापुर की रैली के बाद उनकी कहीं भी कोई रैली नहीं हुई। इस रैली में उन्होंने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला था। आपको 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिला होगा, परंतु अगर आपके घर में एक बच्चे को क्लास 4 की सरकारी नौकरी भी मिल जाती तो वो महीने का आपको पता है कितना कमाता? साल का 2.5 से 3 लाख रुपया कमाता। आपको 12,000 रुपए का राशन थमाकर आपके बच्चे से 3 लाख रुपए छीनने का काम किया इस सरकार ने। अब तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही आकाश आनंद चुनावी रैलियों से गायब हो गए हैं। सवाल है क्या अब वो कोई भी रैली नहीं करेंगे या फिर एक बार मैदान में गरजते हुए दिखाई देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।